सभी को नमस्ते। कास्ट आयरन से बने इस खोखले सिलेंडर में एयर और फ्यूल अर्थात हवा और पेट्रोल का मिश्रण तब आता है जब हम बाइक के स्टार्टर मोटर या किक के सहारे पिस्टन को नीचे की ओर ढकेलते हैं। पिस्टन के नीचे जाते ही इनलेट मैनिफोल्ड में सक्शन अर्थात नेगेटिव प्रेशर बनता है, जिससे हवा वातावरण से एयर फिल्टर से होते हुए इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से सिलेंडर के अंदर आ जाता है। कार्बोरेटर की स्थिति में पेट्रोल के कण वाष्पित होकर इस खोखले पाइप में ही हवा के साथ मिल जाते हैं और पेट्रोल इंजेक्शन की स्थिति में पेट्रोल को इंजेक्टर के माध्यम से इनलेट पोर्ट के ठीक पहले इंजेक्ट कर दिया जाता है। खैर, अब दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की ओर आता है। पिस्टन के सबसे ऊपरी बिंदु और सबसे निचले बिंदु तक पहुंच पाने के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। हवा को दबाने पर गर्म होता है तो यहां भी कंप्रेशन अर्थात दबाव की वजह से एयर फ्यूल मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है। ठीक इसी समय बढ़े हुए तापमान में स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्किंग होने पर एयर फ्यूल मिश्रण आसानी से ब्लास्ट हो जाता है और एक उच्च क्षमता का बल पिस्टन को नीचे की ओर धकेलता है। इसे वर्किंग स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि कंप्रेस्ड हवा में आग लगने की वजह से यह एक्सपैंड होता है अर्थात फैलता है। चौथे स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम से टॉप अर्थात नीचे से ऊपर की ओर आता है और जला हुआ मिश्रण माने धुआं बाहर निकल जाता है। इसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। ध्यान दें, यहां पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन को मिले बल के कुछ हिस्से को क्रैंक शाफ्ट और फ्लाई व्हील अवशोषित कर लेता है, जिसका उपयोग सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान पिस्टन के द्वारा अगली बार गति करने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस प्रकार से यह चार स्ट्रोक का इंजन लगातार चलता रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कितना हवा सिलेंडर के अंदर आया, कितना फ्यूल इंजेक्टर ने इंजेक्ट किया। बाहर निकले धुएं को जानना हमारे लिए और सेंसर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एयर फ्यूल मिश्रण के क्या मायने हैं, अब हम इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि इंजन और सेंसर्स के वास्तविकता को आप समझ सकें। किसी भी समय एयर फ्यूल मिश्रण में हवा के द्रव्यमान और ईंधन के द्रव्यमान के बीच के अनुपात को एयर फ्यूल रेशियो कहते हैं। पेट्रोल इंजन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक मिश्रण हवा और पेट्रोल का वह आदर्श अनुपात है जो बिना अतिरिक्त हवा के सारा ईंधन जल जाता है। पेट्रोल के लिए स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल मिश्रण का अनुपात लगभग 14.7:1 है, अर्थात प्रत्येक 1 ग्राम पेट्रोल के लिए 14.7 ग्राम हवा की आवश्यकता होती है। स्टोइकियोमेट्रिक से कम अनुपात अर्थात जहां फ्यूल अधिक होता है उसे रिच माना जाता है। रिच मिश्रण कम इफिशियंट होते हैं लेकिन अधिक शक्ति पैदा कर सकते हैं और ठंडा जल सकते हैं। स्टोइक हायोमेट्रिक से अधिक अनुपात जहां हवा अधिक होती है उसे लीन माना जाता है। लीन मिश्रण को जलाने से इंजन तेजी से गर्म हो सकता है। अब आप पहले हमारे वाहनों से निकले धुएं को समझें, जिसे हम हानिकारक प्रदूषण कहते हैं, तो आप समझेंगे कि कैसे यहां उपयोग होने वाले लगभग सभी सेंसर्स इन उत्सर्जनों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाते हैं और सेंसर्स के फॉल्ट्स भी इन्हें ध्यान में रखते हुए सुधारे जाते हैं। तो प्रमुख प्रदूषक मुख्यतः 3 हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। लगभग सभी ईंधन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, अतः हाइड्रोकार्बन बिना जले हुए या आंशिक रूप से जले हुए फ्यूल के कण होते हैं। हाइड्रोकार्बन जहरीले होते हैं, स्मॉग अर्थात धुंध में हाइड्रोकार्बन का प्रमुख योगदान है, जो हमारे शहरी क्षेत्र और महानगरों में देखने को मिलती है। यह एक बड़ी समस्या है। आप इसे ऐसे समझें कि स्मॉग हमारी गाड़ियों के धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है। कोहरा पृथ्वी की सतह पर पानी के छोटे छोटे कण को कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा, यकृत रोग, फेफड़ों की बीमारी और कैंसर होता है। दूसरा प्रमुख प्रदूषक नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड हैं और यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तब उत्पन्न होते हैं जब हवा में उपस्थित नाइट्रोजन उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और यह इंजन सिलेंडर के अंदर हाई कंप्रेशन और उच्च ताप के कारण बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स स्मॉग अर्थात धुंध और अम्लीय वर्षा दोनों में प्रमुख भूमिका निभाता है। अम्लीय वर्षा हमारे वनों के अस्तित्व के लिए अत्यंत हानिकारक है। जब कोई इंजन अपने सबसे इफिशियंट तापमान पर चलता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का उत्पादन बढ़ जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण उत्सर्जन कार्बन मोनो ऑक्साइड का है। यह ईंधन के अधूरे रूप से जलने के कारण बना उत्पाद है, अर्थात इंजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण फ्यूल यानी हाइड्रोकार्बन पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के सांस लेने से हमारे शरीर के भीतर रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता
कम हो जाती है। आपको यहां ध्यान देना चाहिए कि मैंने तीन प्रदूषकों हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड का उल्लेख किया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिलेंडर में पर्याप्त हवा की आपूर्ति करके सिलेंडर के अंदर सभी ईंधन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना है। लीन मिश्रण अधिक एफिशिएंट होते हैं, लेकिन उच्च तापमान का कारण बन सकते हैं। लीन मिश्रण फ्यूल इकोनॉमी अर्थात माइलेज में सुधार करता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा में भी तेज वृद्धि का कारण बनता है। यदि मिश्रण बहुत अधिक लीन हो जाता है तो इंजन इग्नाइट होने में विफल हो सकता है, जिससे मिसफायर हो सकता है और बिना जले फ्यूल अर्थात हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। लीन मिश्रण अधिक गर्म जलता है और रफ आइडल हार्ड स्टार्टिंग और इंजन बंद आदि का कारण बन सकता है। यहां तक कि कैटलिटिक कन्वर्टर को भी नुकसान पहुंचा सकता है या इंजन में वॉल्व को जलाकर खराब कर सकता है। स्टोइकियोमेट्रिक से अधिक रिच मिश्रण के समय इंजन सर्वाधिक पावर बनाता है। ठंडे इंजनों को स्टार्ट करने पर आमतौर पर अधिक फ्यूल अर्थात रिच मिश्रण की आवश्यकता होती है। हालांकि रिच मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि करते हैं। अब आप एक बात पर ध्यान दें कि एयर फ्यूल मिश्रण को स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात के पास रखने पर, जो कि पेट्रोल इंजन के लिए 14.7 से 1 का है, इस अनुपात पर कैटलिटिक कन्वर्टर अपने अधिकतम क्षमता पर काम कर पाता है। कैटलिटिक कन्वर्टर का काम तीनों प्रदूषकों को कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और पानी में परिवर्तित करने का काम करता है। कैटलिटिक कन्वर्टर को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें यथासंभव इंजन के करीब रखा जाता है या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के तुरंत बाद रखा जाता है। कैटलिटिक कन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, टू वे और थ्री वे। टू वे कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड और बिना जले हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करते हैं। थ्री वे कन्वर्टर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भी कम करते हैं। रोडियम का उपयोग रिडक्शन कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है और पैलेडियम का उपयोग ऑक्सीडेशन उत्प्रेरक के रूप में। अब आते हैं फिर से इंटेक मैनिफोल्ड पर। अब आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि हमें सेंसर्स का उपयोग करके एयर फ्यूल मिश्रण को स्टोइकियोमेट्रिक पर रखना है ताकि तीनों प्रदूषण कम से कम बन सके और कैटलिटिक कन्वर्टर अपने उच्चतम क्षमता से काम कर सके। तो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर इंजन की इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को तत्कालिक मैनिफोल्ड प्रेशर की जानकारी प्रदान करता है। वायुमंडल में शुष्क हवा हल्की होती है जबकि गीली हवा भारी होती है। मैनिफोल्ड प्रेशर डेटा का उपयोग एयर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है और एयर डेंसिटी अर्थात वायु घनत्व से इंजन का एयर मास फ्लो रेट पता चल जाता है। मास फ्लो रेट का अर्थ है प्रति यूनिट समय में बहने वाली हवा का द्रव्यमान। हवा का द्रव्यमान निकल जाने के बाद इंजेक्टर ईंधन का छिड़काव कर देता है, अर्थात प्रत्येक 14.7 ग्राम हवा के लिए इंजेक्टर 1 ग्राम पेट्रोल इंजेक्ट करेगा। फिजिक्स के फॉर्मूले के अनुसार मैप सेंसर डेटा को IAT सेंसर अर्थात इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर से आने वाले डेटा के साथ उपयोग करना आवश्यक होता है, इसलिए तापमान डेटा प्राप्त करने के लिए इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का उपयोग भी करना होता है और इंजन के स्पीड अर्थात RPM डेटा प्राप्त करने के लिए क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इंजन RPM अर्थात क्रैंकशाफ्ट के घूर्णन का उपयोग करके वायु घनत्व को और अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। एक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इनटेक एयर फ्लो मास रेट का पता लगाने के लिए वैकल्पिक रूप से मास एयर फ्लो सेंसर का उपयोग कर सकता है, इसलिए हर समय MAP सेंसर के साथ MAF सेंसर का उपयोग करना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन सिलेंडर में प्रवेश करने वाली हवा के द्रव्यमान का अधिक सटीक गणना प्राप्त करने के लिए तापमान और RPM डेटा आवश्यक होता है। ऐसी विभिन्न तकनीकें हैं जिनका उपयोग मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। खैर, एक सरल तरीका समझते हैं। इंटेक प्रेशर को एक वेरिएबल रेसिस्टर का उपयोग करके मापा जा सकता है, जिसे पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट कहा जाता है। यदि आपको अपना हाई स्कूल याद है तो लंबाई बढ़ने के साथ कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है। अब जैसा कि यहां दिखाया गया है, बिंदु A वाला एक कंडक्टर
कनेक्टर ECU से 5 वोल्ट DC करंट प्राप्त करता है। यहाँ स्लाइडर या वाइपर कंडक्टर के ऊपर इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं। यदि हम वाइपर से आउटपुट वोल्टेज लेते हैं तो यहाँ इस कंडक्टर के प्रतिरोध के कारण आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से कम होगा। अब यदि हम इस वाइपर को बिंदु A से दूर सरकाते हैं तो हम देखेंगे कि वाइपर से आउटपुट वोल्टेज पिछले वाले की स्थिति से बहुत कम होगा, क्योंकि करंट ले जाने वाले कंडक्टर भाग की लंबाई बढ़ गई है और इसलिए प्रतिरोध बढ़ गया है। यह वाइपर एक डायफ्राम से जुड़ा होता है और डायफ्राम को इनलेट मैनिफोल्ड एयर द्वारा धक्का दिया जाता है। वाइपर से आउटपुट इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर का सिग्नल वोल्टेज है। तो यह एक सरल सिद्धांत है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के MAP सेंसर बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ कंडक्टर के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री सेमीकंडक्टर्स या प्लेटिनम या कुछ कंडक्टिव प्लास्टिक्स के बने होते हैं। आमतौर पर थ्रोटल पोजीशन सेंसर द्वारा थ्रोटल एंगल को मापने के लिए ऐसे ही सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यहाँ वाइपर सीधे बटरफ्लाई शाफ्ट से जुड़ा होता है जो एक गोलाकार प्रतिरोधक पट्टी पर स्लाइड करता है। अब यहाँ देखिए, जब आप एक्सेलरेटर लेते हैं तो इस बटरफ्लाई वाल्व को एक्सेलरेटर वायर की मदद से घुमाते हैं ताकि सिलेंडर में जाने वाली हवा को नियंत्रित किया जा सके। सेंसर आमतौर पर बटरफ्लाई वाल्व पर स्थित होता है ताकि यह सीधे एक्सेलरेटर की स्थिति की निगरानी कर सके। थ्रोटल पोजीशन सेंसर की प्राथमिक चिंता थ्रोटल वाल्व एंगल को निर्धारित करना है। ये रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को भेजी जाती है जो इंजन में सही वायु ईंधन मिश्रण को बनाने के लिए इंजेक्टर को संकेत भेजता है। जब कोई थ्रोटल इनपुट नहीं होता है तो इंजन को स्थिर RPM पर सुचारू रूप से आइडल रहना चाहिए। थ्रोटल पोजीशन सेंसर ECU को बताता है कि कोई एक्सेलरेटर इनपुट नहीं है और इंजन में प्रवेश करने वाले ईंधन की मात्रा स्थिर रहनी चाहिए। यदि RPM अचानक बढ़ता है और फिर एक्सेलरेटर पेडल को छुए बिना फिर से गिर जाता है तो यह एक फॉल्टी थ्रोटल पोजीशन सेंसर का लक्षण हो सकता है। एक्सेलरेटर पैडल पर हल्का दबाव फ्यूल सिस्टम को सिलेंडर में अधिक पेट्रोल डालने का संकेत देना चाहिए। एक खराब थ्रोटल पोजीशन सेंसर पैडल इनपुट पर प्रतिक्रिया नहीं देगा और गाड़ी की गति बढ़ाते समय आपको पर्याप्त शक्ति नहीं मिलेगी। फ्यूल इंजेक्टर के लिए गलत संकेत उन्हें कम्बसन चैम्बर में अधिक फ्यूल इंजेक्ट करने का कारण बन सकते हैं, जिससे पुअर फ्यूल इकोनॉमी होती है, जिसका अर्थ है कम माइलेज। अब इस तापमान सेंसर को देखिए। तापमान के सिग्नल के लिए सामान्यतः थर्मिस्टर्स का उपयोग किया जाता है। यह पाउडर्ड मेटल ऑक्साइड का बना होता है। थर्मिस्टर का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। NTC थर्मिस्टर्स का प्रतिरोध उच्च तापमान पर कम होता है, जबकि PTC थर्मिस्टर्स में तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध में भी बढ़ोतरी होती है। तो यह एक तार से ECU से 5 वोल्ट लगातार प्राप्त करता है। अब तापमान परिवर्तन के कारण इस जंक्शन बिंदु का प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, परिणाम स्वरूप सिग्नल के तौर पर कम वोल्टेज ECU में वापस जाता है। अब आप देखिए, इन तीनों सेंसर में 5 वोल्ट का इनपुट है और ये एक ही स्थान पर स्थित हैं, इसलिए इन तीनों तार को एक साथ जोड़कर कॉमन किया जा सकता है। यह तारों की संख्या को घटाने के लिए अच्छा है। ग्राउंड वायर के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तो आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि क्यों अलग अलग मैन्युफैक्चरर या अलग अलग मॉडल की गाड़ियों में तारों की संख्या अलग अलग हो सकती है। अब जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, कोल्ड स्टार्ट अर्थात ठंडा बंद पड़े इंजन को स्टार्ट करने के लिए इंजेक्टर रिच फ्यूल अर्थात अधिक फ्यूल इंजेक्ट करता है। दूसरे शब्दों में ECU द्वारा इंजेक्टर को अधिक वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है। पर एक बार इंजन गर्म हो जाने के बाद ECU द्वारा इंजेक्टर को कम वोल्टेज सप्लाई देना चाहिए ताकि इंजेक्ट किए जाने वाले फ्यूल को कम किया जा सके। तो ECU को लगातार इंजन के तापमान की जानकारी चाहिए। इसके लिए एक दूसरा टेम्परेचर सेंसर आवश्यक है। चूंकि इंजन ऑयल लगातार कंबसन चैम्बर के संपर्क में आता रहता है, इसलिए इंजन ऑयल के तापमान को इंजन के तापमान के रूप में लिया जा सकता है। फोर व्हीलर की स्थिति में इंजन तापमान के लिए कंबसन चैम्बर के संपर्क में घूम रहे कूलिंग वाटर के तापमान के रूप में भी लिया जा सकता है। अब आप यह समझ सकते हैं कि इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर अर्थात EOT या इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर अर्थात ECT के खराब होने से ECU द्वारा इंजेक्टर को सही समय पर सही वोल्टेज
अर्थात सिग्नल नहीं भेजा जाएगा तो बंद पड़े इंजन को स्टार्ट करने में समस्या हो सकती है या लंबे समय तक रिच फ्यूल के इंजेक्ट होने से माइलेज संबंधी समस्या भी हो सकती है। और पॉल्यूशन पर बात तो हमने पहले ही कर लिया है। आइए अब ऑक्सीजन सेंसर को समझते हैं, जिसे लेमड़ा सेंसर भी कहा जाता है। ऑक्सीजन सेंसर यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कंबसन चैम्बर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर जलकर अभी बाहर आया वह मिक्सचर रिच था या लीन। जला हुआ धुआं का उपयोग कर ऑक्सीजन सेंसर आसानी से इस बात की पुष्टि कर सकता है। चूंकि रिच और लीन दोनों ही मिश्रण ज्यादा प्रदूषण बनाने के साथ साथ माइलेज और पावर फ्लक्चुएशन जैसी समस्याएं उत्पन्न करते हैं और हमें स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल अनुपात चाहिए ताकि कैटलिटिक कन्वर्टर अपनी क्षमता से काम कर सके। तो मिश्रण जलने से पहले रिच था या लीन, यह बात ECU को पता चलने पर ECU द्वारा फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल इंजेक्शन में सुधार कर स्टोइकोमेट्रिक मिश्रण के अनुपात के मात्रा के बराबर का फ्यूल इंजेक्शन करने का सिग्नल वोल्टेज भेजा जाएगा। खैर अब सेंसर को देखते हैं। अब आप पहले इस बात को समझिए कि यदि जला हुआ मिश्रण जलने से पहले रिच था तो इसका अर्थ यह है कि इसमें फ्यूल अर्थात पेट्रोल के कण ज्यादा थे, तो जरूर ही सारे कण को जलने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी अर्थात धुएं में ऑक्सीजन कम होंगे। और इसके विपरीत यदि मिश्रण जलने से पहले लीन था तो अर्थ यह हुआ कि इसमें फ्यूल के कण कम थे तो जरूर ही धुएं में ऑक्सीजन की अधिकता होगी। गर्म जिरकोनियम डाइऑक्साइड के एक तरफ वायुमंडल के हवा और दूसरी तरफ धुएं के संपर्क होने पर दोनों तरफ ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या में अंतर होता है। गर्म जिरकोनियम डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन आयन के बहाव की क्षमता होती है, इसलिए दोनों तरफ ऑक्सीजन के सांद्रता में अंतर के कारण ऑक्सीजन आयन का बहाव होने लगता है और इसे ही करंट कहते हैं। इस सिरामिक मटेरियल के दोनों तरफ दो पोरस प्लेटिनम के प्लेट लगाकर यहाँ बने वोल्टेज को रिसीव कर लिया जाता है। रिच मिश्रण वाले धुएं के समय यहाँ 0.8 वोल्ट बनता है, जबकि लीन मिश्रण वाले धुएं के समय यहाँ 0.2 वोल्ट बनता है और स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर के समय यहाँ 0.45 वोल्ट बनता है। तो आप यह कह सकते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर एक वोल्टेज जनरेटर की तरह काम करता है, तो इसे कार्य करने के लिए ECU से कोई वोल्टेज नहीं चाहिए, पर जैसा हमने कहा कि जिरकोनिया के गर्म होने पर यह करंट बना पाता है। पुराने सेंसरों में एग्जॉस्ट धुआं से यह गर्म होता था, पर ठंडे इंजन के स्टार्ट के समय इसके द्वारा इसे तुरंत कार्य शुरू करने के लिए नए गाड़ियों के ऑक्सीजन सेंसर में हीटर का उपयोग किया जाता है। हीटर इस्तेमाल होने से तारों की संख्या 4 हो जाती है। हीटर के लिए नेगेटिव वायर के लिए सेंसर बॉडी के इस्तेमाल करने पर संख्या 3 हो सकती है। हीटर का इस्तेमाल नहीं करने पर और जिरकोनिया के लिए भी नेगेटिव वायर बॉडी ग्राउंड कर देने पर तारों की संख्या सिर्फ 1 भी हो सकती है। हालांकि हीटर के इस्तेमाल से ऑक्सीजन सेंसर की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि सेंसर में चिपके कार्बन के कण हीटर की वजह से जल जाते हैं, जिससे जिरकोनिया की क्षमता बनी रहती है। धुएं में स्थित कार्बन के कण ऑक्सीजन सेंसर में जमा हो जाने पर यह सही वोल्टेज ECU को नहीं भेज पाएगा, जिसके परिणाम में ECU द्वारा इंजेक्टर को सही सिग्नल नहीं भेजा जा सकेगा। किसी भी सेंसरों द्वारा ECU को सिग्नल नहीं भेजने पर गाड़ियों में इंजन चेक लाइट का जलना, स्टार्ट होने में समस्या और पिकअप जैसे प्रॉब्लम कॉमन सी बात होती है। गाड़ियों के स्टार्ट होने के लिए CKP अर्थात क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर पहली भूमिका निभाता है, पर कैसे आइए समझते हैं। यहाँ इस रोटर पर बने टीथ सेंसर के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को काटता है। क्रैंकशाफ्ट के एक घूर्णन अर्थात 360 डिग्री में जितनी बार टीथ सेंसर के नजदीक से गुजरेंगे उससे क्रैंकशाफ्ट के रोटेशनल पोजीशन या रोटेशनल स्पीड का पता चलेगा, अर्थात इंजन RPM की जानकारी जो कि MAP सेंसर डेटा के साथ मिलकर इनटेक एयर के द्रव्यमान की जानकारी के लिए आवश्यक होती है। अब टीथ के इस गैप को देखिए। यह गैप सेंसर से होकर तब गुजरता है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन के टॉप डेड सेंटर के नजदीक पहुंचते ही स्पार्क प्लग को स्पार्क करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर के पास होगा ठीक उसी समय टीथ गैप जहां होगा
ठीक उसी स्थान पे सेंसर को रखना होगा। टिथ गैप से सिग्नल गैप बनता है जिससे ईसीयू को पिस्टन के पोजीशन का पता चलता है, जिससे सटीक समय पर ईसीयू स्पार्क प्लग को स्पार्किंग करने का सिग्नल वोल्टेज भेजता है। इसे ही इग्निशन टाइमिंग या कभी कभी इंजन टाइमिंग कहा जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।